कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी की दबंगई किस कदर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टीकमगढ़ के धजराई स्थित आश्रम के संत सीताराम ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया। संत सीताराम ने आलोक चतुर्वेदी और उनके समर्थकों द्वारा पेड़ काटने का विरोध किया तो पूर्व विधायक आग बबूला हो गए। क्या कुछ है पूरा मामला आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक संत और कांग्रेस के पूर्व विधायक के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा विवाद एक खदान से जुड़ा हुआ है। दरअसल वैदपुर खदान खजुराहो मिनरल्स को स्वीकृत हुई है और खजुराहो मिनरल्स के मालिक हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी। संत सीताराम का कहना है कि आलोक चतुर्वेदी ने रेत खदान और उसके आसपास के कई हरे भरे पेड़ों को कटवा दिया है। जैसे ही इस बात की खबर मंदिर में पदस्थ पुजारी सीताराम को लगी, उन्होंने इसका विरोध किया। पंडित सीताराम का विरोध आलोक चतुर्वेदी को इतना नागवार गुजरा कि वे अपने समर्थकों के साथ संत सीताराम के आश्रम पहुंच गए और वहां पर जमकर विवाद किया। पंडित सीताराम का कहना है कि पेड़ हम काटने नहीं देंगे और पर्यावरण की रक्षा करेंगे। मजेदार बात तो यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश में पौधारोपण किए जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। खैर, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वहीं संत ने डंडे से आलोक चतुर्वेदी को धक्का मारा, इसके बाद आलोक चतुर्वेदी को उल्टे पैर भाग लगा। कैसा हम गए थे वैदपुर जंगल बचाने के लिए, वहाँ से लौट करके आए अपने मंदिर में जी। अपने रूम में जाकर के थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, तब तक पज्जन चतुर्वेदी, आलोक चतुर्वेदी जिनका नाम है जी जी, वो आए 100-150 लोगों के साथ में। अनीस खान एक मुसलमान जी, वो कमरे में गया, हमें घसीट करके बाहर ले आया कमरे से, मेरे साथ मारपीट की और कह रहे थे यदि तू जंगल बचाने जाएगा तुझे जान से मार देंगे। जंगल क्यों काट रहे हैं ये लोग? जंगल काट रहे हैं, वहाँ कोई खदान लगा रहे हैं लोग। खदान काहे की? क्या पता काहे खदान फाड़ खोद रहे हैं। अच्छा, जब आपके अंदर से इन्होंने घसीटा तब कोई नहीं था आपके आश्रम में? हम अपने दो चार ब्रह्मचारियों साधुओं के साथ में थे, साधु लोग अपने अपने कक्ष में थे। तो आपके साथ मारपीट करके भाग गए ये लोग? भाग गए। अब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं आप? जब तक वो जेल नहीं चले जाएंगे और टीकमगढ़ जिले के जितने जहाँ जहाँ खदाने लगी हैं वो सारी खदाने कैंसिल नहीं होंगी, तब तक प्राण निकल जाए हुक्मगर नहीं। यह घटना बहुत ही शर्मनाक है और इस प्रकार की घटना की हम सब की निंदा करते हैं। महाराज जी तो जंगल बचाने के लिए निकले थे, कोई व्यक्तिगत इनका कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन श्री महाराज जी व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं। इनका तो अभियान चल रहा है कि वृक्ष बचाओ, वृक्ष लगाओ। वृक्ष लगाने का भी महाराज जी ने संकल्प लिया है, जहाँ जहाँ वृक्ष चाहे शासकीय भूमि पे हो चाहे निजी पे हो, उनको महाराज बचाने का काम कर रहे हैं। तो वृक्ष बचाओ वृक्ष लाओ अभियान के तहत महाराज जी वैदपुर जंगल में गए, जहाँ एक अभी खदान स्वीकृत हुई है उसी के संबंध में महाराज जी ने वहाँ आज गए थे। लोगों को समझाया कि पेड़ हमें नहीं कटने देना है और कुछ लोग यहाँ आए जिससे खदान से संबंधित थे, मंदिर ने हमला किया। ये बहुत ही बड़ी घटना है, इस घटना की अंतिम निंदा करते हैं। भावना है महाराज जी के साथ है, जो महाराज जी चाहे तो कार्रवाई के लिए महाराज जी के साथ। संत सीताराम ने भी मोर्चा खोल दिया है। सीताराम का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पर पेड़ नहीं काटने देंगे और बीजेपी भी इनके समर्थन में आ गई है। मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी और अनीस खान के ऊपर प्रशासन ने धारा 323, 147, 149, 452 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।